तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि इस लड़के यू लास्ट सीन अपने मैसी बबन को टोटकिंग की ओर भेज दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। तो इस डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे साफ से सबको बचाता है। जिस स्वेलिंग से क्या रहा है इन दोनों हेवली दारू ऋषि ने दिमाग खराब कर रखा है। खुद तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे दो कैटेगरी का भी बंटवारा कर दिया ताकि लोग भी लड़ते रहे। बनी क्या देखिए, इस एनर्जी से जिससे तुम लोग ढूंढने आए उसे कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी। जिस वाले इंसान कुछ कैलकुलेट करते हुए ख्याल है कि नहीं, ब्रदर लुएनफी बिल्कुल सेफ है, ये पार तो उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे। तब इधर सब कुछ शांत होता है। ये टूट किंग इस लड़के से ख्याल है कि तुम हार गए, चलो अब बताओ कि तुम्हारे मास्टर ने उन तैसे कॉफिन को कहाँ छुपाया है। जिस पर ये लड़का बहुत ही हंसते हुए ख्याल है कि ये मुझे कैसे पता होगा, मेरे मास्टर तो उस कॉफिन को हाइड करने के बाद ही मर गए थे। तब ये टूट किंग जिसका रियल नेम स्किन किंग है, क्योंकि ये हर तरह की स्किन में ढल सकता है। ये इस लड़के को अपने पास खींचते हुए ख्याल है क्या बकवास कर रहे हो, उसने मैंने पहले तुम्हें जरूर बताया होगा। जिस पर इंसाविल ख्याल है मेरे मास्टर तुमसे फाइट करने कुछ ही दिन बाद ही मर गए थे, बट मसीह की बात यह है कि उनका सोलह भी जिंदा है। तब स्किन किंग क्या था कि इसका मतलब वो इन तैसी के कब्र में ही है, ताकि अपने सोल के लिए इन तैसी के बॉडी को पोजेस कर सके। जिस पर यू लाशी क्या था कि लो अब तुम्हें जाके ये रिलाइज हुआ, लेकिन अफसोस अब यह बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। मास्टर को इन तैसी का बॉडी तो नहीं मिला क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसे भी पावरफुल बॉडी मिल गया है। अब जब तक तुम उन्हें ढूंढोगे तब तक वो अपने फिजिकल में आ चुके होंगे। तब ये सुनिए स्किन किंग गेट लॉस्ट कहते हुए अपने एक पावरफुल अटैक को इसके ऊपर करते हुए इसका काम यहीं पे तमाम कर देता है। और फिर बहुत ही फास्टली चारों तरफ इस महल में ढूंढते हुए ख्याल है ये ओल्ड बास्टर्ड कहाँ छुप के बैठे हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने उन मामूली ट्रिक से मुझे रोक पाओगे, तुम भूल गए कि हमारी शक्ति अलग भाई इक्वल है और अब तुम्हें तुमसे ज्यादा पावरफुल हो। जिस वेदा कहते हैं स्किन किंग यहाँ पे एक स्पेशल पावर को रिलीज करता है। तब इस पावर की वजह से यहाँ पे जो भी इल्यूजन था वो टूट जाता और यहाँ पे सारे कॉफिन अफेयर होने लगते हैं। जिस पर अब स्किन किंग लगता है वो बुढ़ा जिस बॉडी में रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो बुढ़ा अभी तक उस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया है, वरना अब तक तो उसे मेरे सामने आ जाना चाहिए था। तो इधर लिंचन कॉफिन को देखते हुए ख्याल है कि मिल गया, ब्रदर लुएनफी किसी कॉफिन में से एक में है। जिस वो बनी ख्याल है आखिर यहाँ पे चल गया, कहीं ये टूट के यहाँ तुम्हारे दोस्त को ढूंढने तो नहीं आया। तब साक्षर ख्याल है गाइस रेडी रहना, जैसे लुएनफी दिखा हम लोग भी मैदान में कूद जाएंगे। जिस पर आदमी इन कॉफिन के पास आते हुए ख्याल है कि ओल्ड मैन बाहर आ जाओ, क्या तुम अपने पुराने दुश्मन को हाय नहीं बोलोगे। तब इसके ना क्या सामने कॉफिन में से एक स्मोक सोल बाहर निकलता है जो कि उसी ओल्ड मैन का था। ये बाहर आते ही क्या था कि वेलकम बैक स्किन किंग, लगता है मैं कुछ समय से चूक गया। जिस पर स्किन किंग क्या था कि बॉडी तो लेने नहीं दिया, अब जीने भी नहीं दूंगा, और ना क्या दे सीधे अपने एक पाल बटे को इसकी ओर भेज देता है। तब ये ओल्ड मैन क्या था कि हम लोग सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज चलो इस चैप्टर को खत्म करते हैं। जिस पर ना क्या ये अपने मुंह से एक लिक्विड को रिलीज करते हुए इसके इस अटैक को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब स्किन किंग थोड़ा शौक होते हुए ख्याल है कि आखिर ये बुढ़ा अपने सोल फॉर्म में इसके बावजूद इतना पावरफुल कैसे है, आखिर बात क्या है, कहीं जिसकी बॉडी लेने का ट्राई कर रहा है उसे कांटेक्ट में आने से ये पावरफुल तो नहीं हो गया। वैले से समझने के लिए पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। जिस वे ना ख्याल स्किन किंग अपने पेपर फॉर्म में आते हुए यहाँ से भागने लगता है। तब ओल्ड मैन ख्याल है तुम कहीं भी नहीं जाओगे, आज के आज हम लोग ये खेल यहीं पे खत्म करेंगे, और ना ख्याल ये ओल्ड मैन भी इसके पीछे जाते हुए इसे चेज करने लगता है। जिस पर अब इनके जाते साफ सेंटर से बाहर आते हुए ख्याल है गाइस बाहर आ जाओ, लगता है आज गॉड भी हमारे साथ है। ये दोनों तो यहाँ से चले गए, अब हमें जल्दी से लुएनफी को ढूंढना चाहिए। तभी ना क्या ये लोग तुरंत अलग अलग कॉफिन में जाके ओपन करके देखने लगते हैं। जिस साक्षर भी कॉफिन को ओपन करते हुए ख्याल है कि इसमें नहीं है, तब लिंचन भी ख्याल है कि ब्रदर इसमें भी नहीं है। जिस बनी ख्याल है ब्रदर साक्षर ये कॉफिन बहुत ही ज्यादा हैवी है, मुझसे खुल नहीं रहे। तभी ना सुने साक्षर सीधे बनी के पास आके इस कॉफिन को टच करता है और कहते हुए ख्याल है कि ये लुएनफी ने किया है, उसने इस कॉफिन में एक स्पेल लगा दिया ताकि कोई भी इसे खोल ना पाए सिवाय मेरे। जिस वे ना कहते साउजन तुरंत इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, लेकिन तभी लिंचन कह रहा है सब लोग दूर हो जाओ। तब लिंचन ये ना कहते कहते इस कॉफिन में एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और अब फाइनली इतने दिनों बाद हम लुएनफी को देखते हैं, जो कि अभी भी बेहोश था मगर साक्षी की तरह ही उसका भी और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तब बनी थोड़ा ही सर्ड होते हुए कहते कि क्या ही पावर इनके सकते बिल्कुल साक्षी की तरह ही टेरिफाइंग है। जिस वे लिंचन कह रहा है अब समझा कि वर्ल्ड मैन ब्रदर लुएनफी की बॉडी को क्यों नहीं ले पाया, ब्रदर लुएनफी भले ही बेहोश थे मगर इनका और किसी को भी टच भी नहीं करने देगा। तब साक्षर क्या था चलो लुएनफी को जगा दे क्योंकि मेरे ऑरा को फील करने की वजह से लुएनफी का ऑरा भी धीरे धीरे अब डिसअपीयर होने लगा है, क्योंकि उसके ऑरा ने भाप लिया है कि उसका बड़ा भाई आ चुका है। मगर साक्षर ये ना कह दिए वुल्फ यहाँ पर आते हुए ख्याल है कि रुक जा अभी तुमसे निपटना बाकी है। जिस वे ना कह दिया अब ये सीधे जाके लुएनफी को हॉस्टेज बनाते हुए ख्याल है कि कोई अपनी जगह से हिलना भी वरना मेरी नाइफ बहुत ही ज्यादा तेज है। तब साक्षर ख्याल है कि आखिर तुम हो कौन, जिस वो बनी कह दिए वही वुल्फ है जो हमसे
पहले भी टकराया था। वो सिसी की ने इसे वुल्फ की स्किन में छुपा रखा था। जिस बारे वुल्फ किया था स्किन की ने कहा कि मैं तुम लोगों को फॉलो करो, देखो मैं सक्सेसफुल भी रहा, चलो अब शांति से मेरे साथ स्किन किंग के पास चलो, इससे तुम लोग सेफ रहोगे, वरना अगर कोई मारा गया तो फिर ये मेरी गारंटी नहीं होगी। तब साशन किया था इस तरह से स्किन किंग का गुलाम बन के तुम्हें क्या ही मिल रहा होगा। जिस बारे वुल्फ किया था आखिर तुम कहना चाहते हो, तब साशन किया था अब तक तो तुम भी जान गए होगी कि हम लोग यहाँ के नहीं है, हम लोग बाहरी दुनिया से आए जो कि इस बैटल फील्ड के मुकाबले काफी ज्यादा सुंदर और अच्छा है, तो क्यों ना तुम लोग इंटरव्यू फ्री करो और हमारे साथ बाहरी दुनिया में चलो, वहाँ तुम्हें किसी की भी कोई भी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर वो किया था कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना पहले तुम मुझे वो तरीका बताओ जैसे कि मैं यहाँ से तुम्हारे दोस्त के साथ निकल पाऊँ, अगर मैं सक्सेसफुली बाहर आ गया तो फिर तुम्हारा दोस्त भी वहाँ बिल्कुल सेफ मिल जाएगा। तब लीशन किया था ब्रदर साशन इसकी बात में बिल्कुल भरोसा मत करना, ये बस टाइम को डिले कर रहा है। जिस पर साशन स्माइल करते हुए किया था डोंट वरी मैं भी वही कर रहा हूँ टाइम को डिले। तब लीशन किया था कि क्या लेकिन वो स्किन किंग यहाँ दोबारा आ जाएगा। जिस पर साशन किया था अरे उसे छोड़ो देखो लुएनफी होश में आ गया। तब इधर भी वुल्फ बहुत ही शौक होते हुए किया था क्या तुम जाग गए। जिस पर लुएनफी अभी ससुर बना के मारते हुए किया था कि मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो मेरे बड़े भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, टगले तुम्हारे जैसे लोग मेरे बड़े भाई के जूते साफ करने के भी काबिल नहीं और तुम उन्हें धमकी दे रहे थे। तैयार किया था लुएनफी अब बस पल भर में टगले को इसकी औकात दिखा देता है और फिर हेल मिसाव किया था अपने पावर्स का अपेयर करते हुए इसे बिल्कुल मार के इरेज कर देता है, जिसे देख कर बनिया बहुत ही ज्यादा शौक होती है किया था कि ब्रदर साशन के भाई तो बिल्कुल उनके ही जैसे है, कहीं ये भी एक गॉड तो नहीं। तैयार लीशन किया था यस तुम इसे डेथ गॉड कह सकते हो क्योंकि इनके पास डेथ से रिटर्न आने की क्षमता है, जिससे लुएनफी अब साशन के पास आ जाता है। तब साशन किया था कि लुएनफी कैसा फील करो, क्या तुम्हारी सारी इंजरियां हील हो गई। जिस पर लुएनफी किया था यस भाई यहाँ भी मुझे अपने बॉडी की तरह कुछ सिमिलर पावर्स मिली जिससे मैं हील करता गया, एक्सीडेंटली उस ओल्ड मैन के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से मुझे कुछ नई पावर्स भी मिल गए। तब साशन किया था यहाँ इस कॉफी में कैसे पहुंचे क्योंकि ये जगह तो हिडन थे। जिस पर लुएनफी अब फ्लैशबैक में आती है किया था कि मैं एक्सीडेंटली इसी महल में आके गिरा था और शिकायत में काफी ज्यादा इंजर्ड था इसलिए सेफ्टी के लिए इसी कॉफी में घुस गया। तब उसके बाद उस ओल्ड मैन का सोल अपने डिसाइबल के साथ मिलकर मेरे बॉडी को कैप्चर करने की कोशिश करने लगा, बट मेरी कॉन्शियसनेस उसके सोल से भी ज्यादा पावरफुल निकली इसलिए वो मेरी बॉडी को कैप्चर नहीं कर पाया, बल्कि मेरे कॉन्टेक्ट में आने की वजह से उसका सोल भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया और मुझे उसकी पावर्स मिल गए। ओल्ड मैन मुझसे दोबारा मच होना चाह लेकिन उसके ये सब करने से पहले आप लोग यहाँ पे आ गए। तब साशन अब हंसते हुए किया था कि वेरी गुड, मैं जानता था कि मेरे छोटे भाई को टच भी नहीं कर सकता, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। मगर तभी अब साशन इतना किया था ये जगह अचानक से ही हिलने लगती है और ओल्ड मैन अब बहुत ही डरावनी वॉइस में किया था कि मैंने कहा ना मेरी मर्जी के बगैर आज कोई भी यहाँ से नहीं निकलेगा। जिसमें इतना किया था अब हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल पार्लमेंट एक्सी इन दोनों भाइयों की ओर ये आ रहा होता है। तब निशान बनी अब इन दोनों के पीछे आते हुए किया था कि भाई अब आप लोग संभालो देखो वो लोग आ गए। जिस पर साशन लुएनफी अब तुरंत ही फॉर्म में आते हुए इसकी ओर अपने अपने अटैक को करते हुए किया था कि कोई बात नहीं यहाँ से अब हम लोग संभाल लेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।